चीन ने इस समय भारतीय नहीं बल्कि अपने दूसरे पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध जैसे हालात पैदा किए हुए हैं। वह दक्षिण चीन सागर के अलावा जापान और ताइवान की सीमा कब्जाने में लगा हुआ है। हालांकि उसके मंसूबों का जवाब देने के लिए भारत के साथ साथ जापान ने भी कमर कस ली है। जापान ने चीन से लगी सीमा की तरफ अपनी मिसाइलें तैनात करने के अलावा सेना की संख्या में भी इजाफा किया है। चीन की युद्ध वाली मंशा को देखते हुए जापान अपनी वायु रक्षा बढ़ा रहा है। वह इस साल जून तक 4 सैन्य ठिकानों पर पैट्रियट PAC-3 MSE वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तैनाती को अंतिम रूप देगा। US जापान समाचार ने हवाला देते हुए कहा, PAC-3 MSE हिट टू किल किसी भी खतरे का मुकाबला करने में सक्षम है। जापान में तैनात वर्तमान पैट्रियट PAC-3 की अधिकतम मार 70 किलोमीटर है और PAC-3 MSE के नए वर्जन में इसको बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक किया गया है। उन्नत PAC-3 MSE इस मारक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही इसकी ऊंचाई और प्रदर्शन क्षमता को भी बढ़ाता है। PAC-3 MSE एक उच्च वेग इंटरसेप्टर है जो आने वाले खतरों को पहले से पता लगा लेता है। इसमें सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और विमान शामिल हैं। मिसाइल हिट टू किल तकनीक का उपयोग करती है जो गतिज ऊर्जा के माध्यमों से खतरों का पता लगाती है। इसके अलावा अपने पड़ोसी देशों को लगातार युद्ध के लिए उकसाने वाले चीन के रवैयों को लेकर नाटो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस शक्तिशाली सैन्य समूह के एक शीर्ष अमेरिकी दूत ने कहा है कि बीजिंग पहले से कहीं अधिक नाटो की रडार पर है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि के बेली हचीसन ने कहा, चीन एक शांतिपूर्ण भागीदार हो सकता है लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। उन्होंने कहा, चीन एक शांतिपूर्ण और एक अच्छा व्यापार भागीदार हो सकता है लेकिन वह अभी ये नहीं दिखा रहा। मुझे लगता है कि नाटो के साथी इसे देख रहे हैं और नाटो ये आकलन करने में लगा है कि चीन क्या कर रहा है। बता दें, नाटो एक 30 देशों की सेनाओं का संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें ये निर्धारित किया गया कि किसी भी देश पर हमला होने पर वह सभी एक दूसरे को सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग देंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फ्रेल ने बुधवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियम और तकाजे को लेकर स्थापित व्यवस्था का भारत और ऑस्ट्रेलिया पालन कर रहे हैं लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा। साथ ही चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति और भारतीय सैनिकों से हुई हिंसक झड़प को देखते हुए अमेरिका भी चौकन्ना हो गया है। वर्षों में पहली बार अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में एक साथ संचालित 3 विमान वाहक जंगी जहाजों को तैनात किया है। इसको चीन के लिए अमेरिका की तरफ से एक शक्तिशाली संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत भी गलवान घाटी में चीन के धोखे से किए गए हमले के जवाब में चीन का हुक्का पानी बंद करने जा रहा है। भारत में लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं तो सरकार भी चीन और उसके सामानों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है। अब चीन को न केवल गलवान खाली करना पड़ेगा बल्कि उसे अक्साई चीन भी वापस देना पड़ेगा। इसी व्यू रचना के तहत CDS जनरल विपिन रावत ने तीनों अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श कर तीनों सेनाओं को युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते सेना में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भारत ने चीन को पहाड़ों के साथ साथ समुद्र में भी घेरने की तैयारी की है। गौरतलब है कि चीन का 60% समुद्री ट्रेड इंडियन ओशियन से होता है। भारत ने अगर अपनी निगाह टेढ़ी कर ली तो चीन घुटनों पर आ जाएगा।